हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीसी डॉट दिव्या। और मैं हूँ दिव्या। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। इसे बनाने के लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं लगेगी। हम इसे फ्लेवर करेंगे मसालों के साथ। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे हम आलू लेंगे, छोटे साइज के आलू लेंगे। मैंने यहाँ पे 8 से 10 आलू लिए हैं। इसके एक सीटी आने तक हम इसे बॉईल करेंगे, मतलब कि 60 से 70% ही हम इसे बॉईल करेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे आलू को, क्योंकि हम इसे बाद में डीप फ्राई भी करेंगे। मैंने यहाँ पे दही लिया है, 200 ग्राम दही है। इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। कश्मीरी दम आलू बना रहे हैं तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च तो डालेगी ही, और मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिए। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और इसमें डालेंगे हम सिक्का भुना जीरा 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे सौंफ का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं हो तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। स्वाद अनुसार मैं यहाँ पे नमक यूज करूंगी। अब मैं यहाँ पे डालूंगी बादाम की पतली वाली स्लाइसेस। 6 से 7 बादाम ली है, उसकी स्लाइसेस कर लिए। आइए, ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालिएगा, या तो नहीं डालिएगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को एकदम क्रीम फॉर्म तक मिक्स करेंगे, सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हम 5 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हमारा दही एकदम क्रीमी हो गया है। यहाँ पे लूंगी मैं 1 बड़ा पैन। पैन में डालेगी 1 बड़ा चम्मच तेल और इसे गर्म होने देगी। हमारा तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 4 लौंग और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब मैं यहाँ पे डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी में यहाँ पे इसलिए डालूंगी, हम तेल में डायरेक्ट दही डाल देंगे तो हमारी दही फट जाएगी, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बॉयल आने का वेट करेंगे। और ये देखिए एक बॉयल भी आ गई है। गैस की फ्लेम हम एकदम मध्य कर देंगे। अगर आप यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद भी कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो हम गरम तेल या पानी में दही डालेंगे तो वो फट जाएगी, जिससे हमारे दम आलू फटी हुई ग्रेवी के बनेंगे। यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है, धीरे धीरे दही डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और ऐसे ही करके मैं सारी दही की ग्रेवी और मसाले डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसे हम लगातार मिक्स करते जाएंगे। हम लगातार मिक्स करेंगे तो हमारी दही फटेगी नहीं और ग्रेवी और भी अच्छी बनेगी। और ये देखिए तेल आ गया है दही के ऊपर, मतलब कि हमारी दही फटी नहीं है, बहुत ही अच्छी बनी है। अब हम लेड लगा के इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए हमारे आलू भी बॉयल हो गए हैं। इसमें हम होल करेंगे, मतलब कि कांटे वाली चम्मच से हम इसमें होल करेंगे ताकि सारी ग्रेवी इसके अंदर चले जाए और हमारे आलू और भी टेस्टी लगे। और ऐसे ही करके मैंने सारे आलू में होल कर दिए हैं। एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तेल भी गरम कर लिया है और इसको हम सभी आलू को डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे आलू डाल दिए हैं और डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए एकदम लाइट ब्राउन कलर तो आ गया है, बट हमें थोड़ा सा ब्राउन कलर और चाहिए। और ये देखिए हमारे आलू तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हम गरम गरम आलू ही ग्रेवी के अंदर डालेंगे, जिससे आलू के अंदर तक ग्रेवी चले जाए। और ऐसे करके मैं सारे आलू डाल दूंगी। इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे और लेड लगा के फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच शक्कर का।
इसे एक बार मिक्स कर देंगे और 2 मिनट और पका लेंगे। ये देखिए हमारे कश्मीरी दम आलू तो बन करके तैयार हो गए हैं। आप इसे पूरी, पराठे, नान, चावल जिसके साथ सर्व करना चाहे उसके साथ कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मुझे सभी सोशल एप्लीकेशंस पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप मुझे वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।